नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 मार्च। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने निकाली रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO के कुल मिलाकर 55 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 1 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। महंगाई के कारण बिहार में पेट्रोल डीजल की घटी बिक्री। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों का असर अब दिखाई देने लगा है। बढ़ती कीमत ही कारण है कि पटना जिले में पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी दर्ज की गई है। पेट्रोल पंप संचालकों की माने तो पिछले 2 महीने में पेट्रोल की बिक्री में लगभग 5% और डीजल में 2 से 3% तक की कमी देखने को मिल रही है। महंगाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 मार्च 2020 को पेट्रोल की कीमत 76.33 रुपए प्रति लीटर थी, जो 1 मार्च 2021 को 93.48 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ऐसे में पिछले 1 साल में पेट्रोल की कीमत में 17.15 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। यही कारण है कि बिहार में CNG की मांग बढ़ गई है। साथ ही इलेक्ट्रिक बाइक की मांग में भी 10 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। किशनगंज के खगड़ा मेला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया है। इसी कड़ी में हम आपको आज किशनगंज जिले में लगने वाले खगड़ा मेले के बारे में बताएंगे। प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी में मनाए जाने वाले इस मेले की शुरुआत 1950 में स्थानीय निवासी सैयद अट्टा हुसैन ने की थी। पहले ये कृषि मेले रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, बाद में यह खगड़ा मेले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले इस मेले की तुलना दुनिया में प्रसिद्ध सोनपुर मेले से की जाती थी। मेले के समय हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने यहाँ आते हैं। नेट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख में की गई बढ़ोतरी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2021 में आवेदन करने की अंतिम तारीख में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद अब नेट में आवेदन करने की तारीख मंगलवार को समाप्त हो गई थी, लेकिन NTA से आवेदन करने की तारीख 2 मार्च से बढ़ाकर 9 मार्च तक करने का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद अब फॉर्म भरने से वंचित स्टूडेंट्स UGC नेट मई 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 मार्च रात 11:50 तक भर सकते हैं। फॉर्म UGC नेट की वेबसाइट UGCNET.NTA.NIC.IN पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आवेदन शुल्क का भुगतान 10 मार्च रात 11:50 तक किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए 12 से करेक्शन विंडो खोला जाएगा। ऑनलाइन करेक्शन विंडो 16 मार्च से रात 11:50 तक खुला रहेगा। स्मार्ट सिटी परियोजना में उजागर हुई अनियमितताएं। स्मार्ट सिटी पटना परियोजना में गंभीर अनियमितता की जानकारी सामने आई है, जिसके तहत इस टेंडर को भी रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, टेंडर प्रक्रिया की जांच के लिए ही विभागीय स्तर पर कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही जांच में दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई के लिए पटना के प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश दे दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पटना स्मार्ट परियोजना लिमिटेड के तहत इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और LNT समेत 5 कंपनियों ने टेंडर डाले थे। आरोप था कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने प्रक्रिया में हेरफेर करते हुए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को काम आवंटित कर दिया था। हालांकि अब इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने 12,140 पद पर निकाली रिक्तियां। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद अब फिजिकल टेस्ट की तैयारी हो रही है। आयोग की तरफ से 12,140 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया की जा रही है। अब फिजिकल और टाइपिंग टेस्ट के बाद इनकी अंतिम मेधा सूची बनाई जाएगी, जो कि जून तक पूरा करने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार टाइपिंग टेस्ट 15 मार्च के बाद आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सेंटर की तलाश की जा रही है। यह टेस्ट लगभग 20 दिनों तक चलने का अनुमान है। 22 मार्च से संग्रहालय बिनाले के आयोजन की बिहार म्यूजियम करेगा मेजबानी। कोरोना काल के बाद अब बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाने लगा है। इसी क्रम में राजधानी में भी इस महीने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसके तहत देश में पहली बार संग्रहालय बिनाले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेजबानी बिहार संग्रहालय करने वाला है। खबरों की माने तो यह आयोजन 22 मार्च से 28 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए शुरुआती 2 दिनों के कार्यक्रम का आयोजन संग्रहालय परिसर में सामाजिक दूरी बनाते हुए किया जाएगा। उसके अगले 5 दिनों का कार्यक्रम विश्व स्तर पर वर्चुअल रूप से किया जाएगा। 49 साल से लंबित कोसी पश्चिमी कैनाल योजना को साल 2023 तक पूरा करने की शुरू हुई तैयारी।
साल विकास योजना को अब साल 2023 तक पूरा करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत 49 साल से लंबित कोसी पश्चिमी कैनाल योजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है। 1.5 साल में यह योजना धरातल पर होगी। इससे दशकों से लाखों हेक्टेयर असिंचित जमीन सिंचित हो सकेगी। इसकी जानकारी जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि प्रदेश में तालों के पुराने स्वरूप को बहाल करने और उसकी संरक्षा के लिए 1178 करोड़ की ताल विकास योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत 74 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अब हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात भी कही है। बिहार में अब भंडारण बन रही है बड़ी चुनौती। भले ही सरकार ने बिहार में रिकॉर्ड धान खरीदने की बात कही है, लेकिन अब बिहार सरकार के पास खुद ही भंडारण बड़ी समस्या बन गई है। अब तक 45 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य में 35,60,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी कर ली गई है। यह लक्ष्य का 8.4% है। पिछली बार साल 2006 में बिहार सरकार ने रिकॉर्ड खरीदारी की थी। हालांकि अब भंडारण की समस्या सामने आ खड़ी हुई है। इस मामले पर खाद्य आपूर्ति विभाग एवं राज्य खाद्य निगम के जिम्मेवारी संभाल रहे सचिव विनय कुमार ने बताया है कि वर्तमान में राज्य में अनाज भंडारण के लिए तकरीब 27 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदाम उपलब्ध है। इसमें पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से 12 लाख मीट्रिक टन तक का भंडारण किया जा रहा है। बिहार के मौसम में फिर से दिखा बदलाव। बिहार के मौसम ने एक बार फिर से करवट लेना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में मौसम में फिर से बदलाव आ गया है। वहीं बीते 24 घंटे में आम नागरिकों को झुलसाती हुई गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, जिसके तहत दिन का तापमान तो सामान्य दर्ज किया मगर रात का तापमान सामान्य से कुछ कम दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्मी और सर्दी के बीच ट्रांजिट दौरे में इस तरह के बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन मार्च में गर्मी अपना जोर दिखाएगी। हालांकि अभी कुछ दिनों तक रात में लोगों को ठंड का एहसास देखने को मिलने वाला है। बिहार में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं खरीद रहे हैं गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में गैस की खरीदारी में कमी दर्ज की गई है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक 84.83 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। सामान्य उपभोक्ताओं की तुलना में यह आंकड़ा 16.42 लाख ही कम रहा है, मगर जितने भी कनेक्शन बांटे गए हैं उस अनुपात में सिलेंडर की बिक्री नहीं हो रही है। बिहार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिंह ने कहा है कि सामान्य उपभोक्ता औसतन साल में 9 से 10 सिलेंडर लेते हैं, जबकि उज्ज्वला श्रेणी के उपभोक्ता साल में 3 से 4 सिलेंडर ही भरवाते हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के बाद इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की मुश्किलें और बढ़ी हैं। बिहार में इंटर की कॉपियों की जांच होगी आज से। कोरोना के माहौल में सफलतापूर्वक परीक्षा का समापन करवाने के बाद अब इंटर के कॉपियों के मूल्यांकन का काम आज से शुरू होने वाला है। हालांकि मूल्यांकन को लेकर कई तरह की चर्चा पहले से ही हो रही थी, वहीं अब आज से आखिरकार मूल्यांकन का काम शुरू होने वाला है, जिसके तहत अब इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 की कॉपियों का मूल्यांकन 5 मार्च से 130 केंद्रों पर शुरू हो जाएगा। वहीं पटना के 8 केंद्रों पर मूल्यांकन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि बोर्ड की तरफ से जारी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन कार्य 5 से 15 मार्च तक चलेगा। अब रांची से पटना जाना हुआ और भी ज्यादा आसान। रांची से पटना जाना अब और भी ज्यादा आसान होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से पटना के लिए जल्द ही 2 विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है। सब कुछ सही रहा तो इस विमान सेवा की शुरुआत मार्च के अंत तक हो जाएगी। हालांकि फ्लाइट सेवा को शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। गो एयर और इंडिगो ने पटना के लिए फ्लाइट शुरू करने का आवेदन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया था, जिसके बाद अब आवेदन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के कारण रांची के लिए विमान सेवा को बंद किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही कुछ विमान सेवाओं को शुरू किया गया था। बिहार में 31 मार्च से मुफ्त मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। बिहार में किडनी मरीजों के लिए अहम सूचना। बिहार में किडनी का इलाज अब संभव होने जा रहा है। इसके लिए ही 31 मार्च से अस्पतालों में आम नागरिकों को मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा मुहैया करवाए जाने लगेगी। इसके साथ ही 8 सदर अस्पतालों और 1 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल्पना सिटी स्कैन की शुरुआत की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को अब सिटी स्कैन के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके पूर्व यह सेवा सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपलब्ध है। नगर विकास को लेकर अपनों ने किया सरकार का घेराव। बीते दिन बिहार विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में नगर विकास विभाग की तरफ से कच्ची सड़कों के निर्माण कार्यों को पूरा नहीं करवाए जाने का मामला उठाया गया, जिसके तहत बिहार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नंदकिशोर यादव ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिसके तहत नंदकिशोर यादव ने कहा कि नगर विकास विभाग में पैसा खर्च करने के लिए एक अजीबोगरीब खेल खेला जा रहा है। बनी हुई सड़कों का फिर से निर्माण कार्य कराया जा रहा है और कच्ची सड़कों के निर्माण कार्य पर पैसे नहीं खर्च किए जा रहे हैं। नंदकिशोर यादव ने कहा कि कच्ची सड़कों के निर्माण में और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, लिहाजा पुरानी बनी हुई सड़कों का ही निर्माण कार्य कराकर बिल बनाया जा रहा है।
सदन में उपमुख्यमंत्री ने करोड़ों की ट्रैफिक सिग्नल के खराब होने की मानी बात। विधानसभा में बीते दिन का सत्र भी बेहद ही रोमांचक रहा। इस दौरान राजधानी पटना में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल के मुद्दे पर सरकार जबरदस्त घिरती नजर आई। इतना ही नहीं, बीते दिन सदन में उपमुख्यमंत्री ने पटना में 9 ट्रैफिक सिग्नल को लोहिया पथ चक्र के निर्माण की वजह से उखाड़ने की बात को भी मान लिया है। विधानसभा में यह पूछा गया कि क्या यह बात सही है कि 2 साल में ही 14 सिग्नल को उखाड़ दिया गया है और शेष स्थान पर देखरेख के अभाव से सिग्नल बंद है। यदि ऐसा है तो 25 करोड़ के सरकारी राजस्व का अपव्यय क्या उचित है? इन सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है मानी जाती है। महात्मा गांधी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म किया था। भारत में झारखंड पार्टी की 1949 में स्थापना आज के दिन हुई थी। सन 2002 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन संपन्न आज के दिन हुआ था। भारत ने समुद्र से जमीन पर हमला करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का 2008 में सफल परीक्षण आज के दिन किया था। इफको 2009 में 1 करोड़ टन उर्वरक की वार्षिक बिक्री करने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी थी। 2010 में भारत के प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक जीपी बिरला ने दुनिया को अलविदा कहा था। बिहार में 10 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, जिसके तहत अब सूबे में होने वाले चुनाव को लेकर एक और अहम जानकारी साझा कर दी गई है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग ने सभी 38 जिलों में कुल 10 चरणों में चुनाव करवाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पहले चरण में मधुबनी, सुपौल और अररिया, दूसरे चरण में दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज और सीतामढ़ी, तीसरे चरण में समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, शिवहर और शेखपुरा, चौथे चरण में पूर्वी चंपारण, कटिहार और बेगूसराय, पांचवें चरण में मुजफ्फरपुर, खगड़िया और सारण, छठे चरण में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, नालंदा और जहानाबाद, सातवें चरण में वैशाली, सिवान, भागलपुर और लखीसराय, आठवें चरण में पटना, मुंगेर, नवादा और बांका, नौवें चरण में जमुई, भोजपुर, गया और बक्सर, वहीं आखिरी चरण में औरंगाबाद, अरवल, रोहतास और कैमूर जिले में चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने जल्द ही बिहार में पुस्तकालय नीति बनने की कही बात। बीते दिन विधानसभा सत्र के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही पुस्तकालय नीति का निर्माण करवाया जाना है। इतना ही नहीं, इस दौरान चौधरी ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के सुदामा प्रसाद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से पुस्तकालयों का विकसित किया जाना सबसे अहम है। उनका विभाग इसको लेकर राज्य पुस्तकालय नीति बनाकर आगे अपने काम को शुरू करने वाला है। सूचना क्रांति के इस दौर में घर बैठे आपको जानकारी मिल जाती है, इसका लाभ पुस्तकालयों को कैसे मिले, इसके लिए सरकार पुस्तकालय नीति बनाना चाहती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुस्तकालय नीति बनाते समय विधायकों के सुझावों को भी आमंत्रित किया जाएगा। महिला सिपाहियों के लिए 3 जिलों में बनेंगे बैरक। बिहार में महिला सिपाहियों के लिए 10-10 बेड का बैरक निर्माण करवाया जाना है। इसको लेकर 3 जिलों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसके तहत बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी और मोतिहारी जिले में इन बैरक का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य भवन प्रमंडल विभाग करवाने वाला है। सीतामढ़ी मंडल कारा में 50 बेड का महिला सिपाहियों के लिए बैरक के लिए करीब 3,78,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा मोतिहारी सेंट्रल जेल में 72 शौचालयों का निर्माण होगा, इसके साथ ही 38,22,000 रुपए मिले हैं। वहीं मधुबनी के लिए 17,38,000, सीतामढ़ी के लिए 26,17,000 और मोतिहारी के लिए 20,49,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। पप्पू यादव ने पश्चिम बंगाल और असम में अपना समर्थन देने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल फूक चुका है, वहीं अब बंगाल समेत सभी राज्यों के चुनाव को लेकर बिहार में भी सरगर्मी तेज हो गई है। बंगाल में जहां पहले राजद के टीएमसी के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला सुनाया गया है, उसके बाद ही अब जा प्रमुख पप्पू यादव ने भी ममता दीदी के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत पप्पू यादव ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान यह कहा है कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। हम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। कार्यकर्ता टीएमसी की सहायता करेंगे। हमारा लक्ष्य है भाजपा को हराना, उसके लिए हम दोनों राज्यों में समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लोगों की मांग पर अब इंडिगो भी देगा दरभंगा एयरपोर्ट पर सेवा। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा विमानन कंपनी भी अब दरभंगा एयरपोर्ट में रुचि ले रही है। इसी क्रम में जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की विमान सेवा शुरू होने वाली है। खबरों की माने तो अप्रैल महीने के अंत या मई महीने के शुरुआत में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। कंपनी की तरफ से शुरू में ही 2 रूटों पर सेवा आरंभ करने की बात कही जा रही है। यह रूट हैदराबाद और मुंबई होगी। इसके साथ ही जल्द ही बुकिंग शुरू की जा सकती है। कंपनी की माने तो जल्द ही 2 रूटों पर सेवा शुरू करने की बात फिलहाल कही जा रही है। किरण पोलार्ड के 6 छक्कों पर युवराज ने दी अपनी प्रतिक्रिया। वेस्टइंडीज टीम के शानदार बल्लेबाज किरण पोलार्ड ने श्रीलंका के गेंदबाज अखिला धनंजय के 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही
धनंजय के लिए यह दिन खुशी और गम दोनों लेकर आया क्योंकि उन्होंने इस मैच में हैट्रिक भी हासिल की और 6 छक्के भी खाए। पोलार्ड इस मैच में 11 गेंद पर 38 रन बनाकर आउट हुए और वेस्टइंडीज को 4 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई। उनके इस पारी के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी उनको एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने के क्लब में शामिल होने पर बधाई दी है। युवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 6 सिक्स लगाने के क्लब में शामिल होने पर बधाई, शानदार पारी। करीना कपूर के छोटे बेटे से मिलने पहुंचे करण जौहर। करीना कपूर कुछ दिन पहले ही दूसरी बार मां बनी हैं। उनके दोस्त और रिश्तेदार बारी बारी से मां और नन्हे बच्चों से मिलने आ रहे हैं। अब करण जौहर और मनीष मल्होत्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दोनों बड़ा सा गिफ्ट लेकर सैफ और करीना के घर जाते दिखाई दे रहे हैं। करीना कपूर बच्चे की डिलीवरी से पहले बड़े घर में शिफ्ट हो चुकी है। हॉस्पिटल से आने के बाद उनसे मिलने वालों का सिलसिला भी जारी है। बुधवार को करीना के फ्रेंड्स मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा और करिश्मा कपूर उनसे मिलने पहुंचे थे। बिहार में सोना और चांदी हुआ सस्ता। सराफा बाजार में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिसके तहत चांदी के भाव में 900 रुपए प्रति किलो गिरावट देखी गई है, तो वहीं सोने का भाव भी 300 रुपए प्रति 10 ग्राम नीचे आ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप चांदी का भाव 900 रुपए प्रति किलो घटकर अब 68,200 रुपए पर पहुंच गया है। इसके साथ ही सोने का भाव भी अब 300 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 47,400 रुपए और सोना 22 कैरेट का भाव भी 300 रुपए गिरकर 47,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। विक्रेताओं की माने तो वैश्विक बाजार निवेश के साथ ही मुनाफा वसूली भी चल रही है, उसी के अनुरूप बाजार में घटबढ़ भी देखने को मिल रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, आतिक खान, अनिल कुमार, मनीष कुमार, बिट्टू कुमार यादव, प्रदीप शर्मा, रिंकू पंडित, सीमा कुमारी, नेहा रॉय, बबलू, दीन आलम, बसंत सिंह, जितेंद्र कुमार, प्रीतम कुमार, अमरनाथ शाह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके आसपास सड़क निर्माण का काम बिहार सरकार करवाने में सफल हो पाई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दोबारा ना भूलें। धन्यवाद।